हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट। आई होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। ओके, आई एम डूइंग टू मच हार्ड वर्क फॉर यू गाइस। ओके, सो सी द वीडियो अप टू द एंड, मार्क ऑल द नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज। भाई फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? बिफोर स्टार्टिंग अवर चैप्टर, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट क्वांटिटीज। सो व्हाट बेसिकली क्वांटिटीज इज, ठीक है? चलो, तो क्वांटिटीज क्या है वो देखते हैं हम। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। कोई भी चीज को हम मेजर कर सके उसे हम बोलेंगे क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। वी नो, ओके, फॉर रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटिटी क्यू, लेट अस टेक एन इज इक्वल टू एन इंटू यू। वॉट एन स्टैंड्स फॉर? एन किसके लिए है एंड यू किसके लिए है? एन स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड एंड यू स्टैंड्स फॉर यूनिट। एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई भी क्वांटिटी को अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। वॉल्यूम एक क्वांटिटी है। एग्जाम्पल लेता हूँ, वॉल्यूम इक्वल टू 10 meter cube। सो 10 इज एन, मतलब मैग्नीट्यूड, एंड एम मीटर क्यूब इज यूनिट। व्हाट मैग्नीट्यूड सोर्स? मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है कि दो, अगर मैं दो वॉल्यूम ले लूँ, कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है, कौन सा वॉल्यूम कम है या इक्वल है, वो मैग्नीट्यूड आइडिया देता है। अगर मैं वॉल्यूम ले लूँ 10, 12 and 13, तो मैं बोल सकता हूँ कि 13 meter cube ज़्यादा है, ठीक है? चलो, सो नाउ वी लर्न अबाउट फाइंडिंग अ डेंसिटी फॉर एन इरेगुलर सॉलिड। इरेगुलर सॉलिड की हमको डेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम इरेगुलर सॉलिड की डेंसिटी फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है? सबसे पहले इरेगुलर सॉलिड क्या है? इरेगुलर सॉलिड मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके वॉल्यूम के फॉर्मूला हमको पता नहीं हो। रेगुलर सॉलिड मतलब जिनके वॉल्यूम के फॉर्मूला तुम्हें पता हो। एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता रहता है। जिनका वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ना हो, ओके, तो हमें डेंसिटी निकालना है। मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? मास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, उसको मैं फिजिकल बैलेंस, वेट अ मिनट, फिजिकल, ओके, फिजिकल बैलेंस से मैं उसका वेट निकाल सकता हूं। बट जब मैं बात करूं वॉल्यूम की, तब क्या होगा, ठीक है? वॉल्यूम निकालना है इरेगुलर सॉलिड का, तो मैं ऐसे नहीं निकाल सकता, ठीक है? क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही नहीं है इसके वॉल्यूम निकालने की। तो इसको हम वॉल्यूम निकालने के लिए, किसकी, इरेगुलर सॉलिड की, उसमें दो मेथड है। एक तो आता है दो सिलिंड्रिकल जार लेने, हमको ले लेते हैं हम सिलिंड्रिकल जार, ओके। इनिशियली कुछ मैंने वाटर फील कर दिया उसके अंदर, कुछ लिक्विड फील कर दिया, सपोज करते हैं यहाँ पे कुछ उसका वॉल्यूम है 10 ml। फिर मैंने अपने जो इरेगुलर सॉलिड है, ये इरेगुलर सॉलिड, इसको इसमें डाल दिया इस पानी के अंदर, तो वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, तो वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, सपोज 20 ml हो गया। तो ये वाटर लेवल इंक्रीज होने का रीज़न क्या है? ये इरेगुलर सॉलिड के वॉल्यूम के ऐड होने की वजह से। तो इसका वॉल्यूम निकालना हो इरेगुलर सॉलिड का, तो क्या होगा बेसिकली, 20 - 10 ml इज इक्वल टू 10 ml, ओके? तो हमने पता किया कि वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड हम ऐसे निकाल सकते हैं। दिस इज योर एक्टिविटी नंबर वन, ओके? नाउ द अनदर मेथड टू फाइंड दिस इज अ मेथड फॉर द यूरेका कैन। अब यूरेका कैन में क्या है वो भी हम देख लेते हैं। यूरेका कैन का हम देखेंगे, तो यूरेका कैन इज सेम एज दिस ओनली, यूरेका कैन का देखेंगे। सो इसमें क्या करना है, हमको एक कैन लेना है, ये कैन में यहाँ पे होल है, ठीक है? और ये वाटर लेवल है यहाँ पर, और यहाँ पे हमको एक बीकर ले लेना है,
जिसका हम मेजर वॉल्यूम मेजर कर सके। अब उनको करना क्या है, वही इरेगुलर सॉलिड को इसके अंदर डाल दो तो क्या होगा, वाटर लेवल राइज होगा और वो वाटर इसमें ड्रॉप हो जाएगा। जितना पानी इस वेसल में ड्रॉप हुआ, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड। सो दिस इज एन एक्टिविटी नंबर वन एंड एक्टिविटी नंबर टू, वी डिड इट। अगर सीक्वेंस रॉन्ग हो सकता है वन टू का, बट दो एक्टिविटीज़ है फॉर फाइंडिंग एन वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड, फर्स्ट बाय टू सिलेंडर्स एंड सेकेंड बाय यूरेका कैन। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर कि हम इरेगुलर सॉलिड का हम आंसर निकालते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर इज फिल्ड विथ 50 ml ऑफ वाटर विथ अ सॉलिड विथ अ मास 16 kg, देन लोअर इन टू द सिलेंडर, द वाटर लेवल राइजेज बाय 250 ml। डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, हमको डेंसिटी ऑफ सॉलिड पता करना है। 250 नहीं आएगा यहाँ, 58 आएगा। ओके चलो, तो सबसे पहले हमको डेंसिटी, वी नो दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड आई नो द वैल्यूज ऑफ मास। मास तो हमको पता है, बहुत अच्छी बात हो गई हमारे साथ। ओके सो मास इज व्हाट, 16 kg। ना वॉल्यूम, अब सिलेंडर में हमने पहले जो इनिशियल वाटर लेवल मेजर किया था दैट इज V1, वो 50 ml था। फिर मैंने इरेगुलर सॉलिड अंदर डाल दिया, उसके बाद वॉल्यूम लेवल रेज होने के बाद 58 हो गया, 58 ml। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऑफ सॉलिड इज V2 माइनस V1, तो 58 माइनस 50 दैट इज 8 ml, कितना हो गया 8 ml हो गया। एंड कन्वर्जन के हिसाब से देखूं, 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³, तो ये कितना हो जाएगा 8 cm³ हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, सम प्रॉब्लम इज देयर इन अ न्यूमेरिकल, इन टेक्स्ट बुक इट इज गिवन 16 kg, यहाँ पे जो 16 kg दिया हुआ है 16 नहीं आएगा, यहाँ पे 16 ग्राम आएगा। ठीक है, सो वी विल फाइंड अ डेंसिटी नाउ। मास इज 16 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 8 ml या cm³। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, सो आंसर इज 2 g/cm³। ओके स्टूडेंट्स, आई होप तुम्हें ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ओके, बिफोर स्टार्टिंग में तुमको एक और बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम न्यूमेरिकल करें तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल फर्स्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के तुम सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वॉट द क्वेश्चन इज आस्क्ड। ओके स्टूडेंट्स, चलो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ अ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। अभी तक हमने सॉलिड की डेंसिटी निकालना सीखा, पर अब लिक्विड और गैस की भी निकालेंगे। ठीक है, सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी निकालना इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू द सॉलिड। रीजन क्या है उसका, यू कैन डायरेक्टली मेजर द वेट ऑन फिजिकल बैलेंस एंड यू कैन मेजर द वॉल्यूम विथ द हेल्प ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंड फॉर्मूला लगा दो तो यू विल गेट योर आंसर। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास निकाल दिया हमने फिजिकल बैलेंस पर, और वॉल्यूम हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर पे निकाल देंगे। तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड दैट ग्रेजुएटेड सिलेंडर से हम उसकी वॉल्यूम मेजर कर देंगे। अब ग्रेजुएटेड सिलेंडर से उसकी वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, सी हाउ टू सी द वॉल्यूम। तो जब भी हम कोई भी लिक्विड को वेसल में फील करते हैं तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, तुम्हें ऐसा दिखेगा। टू टाइप्स ऑफ मिनिस्कस आर फॉर्म, अगर वाटर होगा तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, ऐसा अंदर फील होकर, बट इसके सामने हनी डालो, मर्क्यूरी डालो, तो तुम्हें जो मिनिस्कस दिखेगा वो अपर दिखेगा। तो अब हमको मेजरमेंट कैसे देखना है, सी अगर वाटर ऐसा लिक्विड है जो लोअर मिनिस्कस बनाते हैं, इसको बोलते हैं लोअर मिनिस्कस। मिनिस्कस मतलब ये जो वाटर का कर्व दिख रहा है, लिक्विड का कर्व, उसको बोलते हैं मिनिस्कस। तो हमको रीडिंग कैसे देखने का, ऐसे, हाँ, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी वो देखने का, और अपर मिनिस्कस में हमको ऊपर से उसके लोब से देखने का। क्लियर है? तो हमने देखा कैसे हम मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालते हैं। चलो तो हम अब आगे बढ़ते हैं। Now about relative density. So what relative density is? Why it is needed? After finding a density, why we need relative density then?
So let understand with this some example. If I'm taking a water, if I'm taking an steel, if I'm taking an aluminium, so which one is lighter, which one is heavier? तो वो पता करने के लिए हमने रिलेटिव डेंसिटी निकाला. रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट इट शोज कंपैरिजन विद वाटर. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर दिया हमने वाटर के साथ. ओके, अगर रिलेटिव डेंसिटी है 1, दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 हो जाती है तो इट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है, मतलब इट इज लाइटर देन वाटर. इफ इट इज ग्रेटर देन 1 है तो इट इज हैवियर देन वाटर. अब ये आया कैसे? अपने घर से तो लाया नहीं. सो अंडरस्टैंड दिस बाय हिज फॉर्मूला. रिलेटिव डेंसिटी, तो व्हाट रिलेटिव डेंसिटी इज, सो इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस यू वॉन्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. मतलब कोई भी सब्सटेंस उसकी डेंसिटी अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, वो हो गया रिलेटिव डेंसिटी. क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरी गुड. अब क्या कर दिया गया है कि इसके तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेबल इज गिवन टू यू इन विच द रिलेटिव डेंसिटी इज शोज. अगर तुमको बोले कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है तो भी रिलेटिव डेंसिटी तुम्हें हेल्प कर सकता है. एग्जाम्पल देखते हैं हम. अगर मैं बोलूं कि अपने कैंडल, उसमें जो वैक्स होता है वो इट इज फ्लोटिंग ऑन अ वाटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1. इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर पे फ्लोट कब करेगा? जब वो वाटर से हल्का होगा, मतलब डेंसिटी कम होगी. ठीक है, तो अगर डेंसिटी वाटर से कम है तो इट इज शोन बाय रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1. अप्रोक्सीमेट इट इज अबाउट 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो नाउ लेट्स मूव टू द सेम डेफिनेशन, पर इसको हम थोड़ा अलग से डिराइव करते हैं. अगेन मैं तुमको यहाँ पे अभी एक चीज बताते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी निकालना है हमको, बट हैविंग द सेम वॉल्यूम. दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम. ऑब्जेक्ट मीन्स ले लेते हैं ये रहा 1, ये रहा 2. ये वाटर है और ये कोई सब्सटेंस है. इन दोनों का वॉल्यूम सेम है. वॉल्यूम इज सेम. सेम है तो हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है. तो रिलेटिव डेंसिटी इज मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. चलो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला देखेंगे हम. मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस. डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर. एंड आई नो दैट सब्सटेंस का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम इज सेम, सो योर आंसर इज मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर. तो हमने एक और फॉर्मूला देखा. चलो इसके बेस पे एक और चीज़ हमारे माइंड में आती है कि ये तो अभी वॉल्यूम सेम था, अगर मास सेम होता और वॉल्यूम डिफरेंट होता तब क्या होगा? तो वो भी हम देखते हैं. ठीक है, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा धीरज रखो. ओके चलो अब हम लेते हैं जब वॉल्यूम अलग हो. अब यहाँ पे वॉल्यूम सेम नहीं है, अब यहाँ पे मास सेम है. मास सेम हो और वॉल्यूम डिफरेंट हो, वी डिफरेंट, तब क्या लेंगे हम? ठीक है चलो देख ही लेते हैं. वो भी रिलेटिव डेंसिटी, अगेन फॉर्मूला देखेंगे. मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस. मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर. आई नो हियर द मास ऑफ सब्सटेंस एंड द मास ऑफ वाटर इज सेम, वो कट हो जाएंगे. ओके, और वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस नीचे, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस. वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव का टर्म ही यही है कि कंपेरिजन विद अदर्स, और उस पर कंपेरिजन हमने किया था वाटर के साथ. चलो अब रिलेटिव डेंसिटी बॉटल किसको बोलते हैं? ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी बॉटल इज अ बॉटल इन विच इट इज हेल्पफुल टू फाइंड अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. हमको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालने में वो हेल्प करता है. ओके, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल. सो व्हाट रिलेटिव डेंसिटी बॉटल इज,
दिस बॉटल नेम इट्सेल्फ सजेस्ट दैट आई एम मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. रिलेटिव डेंसिटी बॉटल करती क्या है, सब सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करती है. ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी कैन बी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग स्पेशल बॉटल कॉल रिलेटिव डेंसिटी एंड बॉटल. एंड द अनदर नेम ऑफ दिस बॉटल इज ऑल्सो कॉल स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल. हाउ इट इज लुक सी, सो इन दिस टाइप ऑफ दिस इज अ रिलेटिव डेंसिटी बॉटल. ये है रिलेटिव डेंसिटी बॉटल. अब इसमें करना कि ये कैसे हेल्प करता है तुम्हें मेजर करने के लिए, तो इस रिलेटिव डेंसिटी बॉटल में तुम्हें जो लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है वो लिक्विड इसके अंदर फील करना है. ये ऊपर कैपिलरी ट्यूब है और ये स्टॉपर है. जब ये लिक्विड फील हो जाता है स्टॉपर के ऊपर, जब कैपिलरी ट्यूब निकालो लगाओगे तो व्हाट विल हैपन, द एक्सिस ऑफ वाटर विल कम आउट फ्रॉम हियर. एक्सिस वाटर बाहर आ जाएगा एंड फिक्स्ड वॉल्यूम का लिक्विड फील हो जाएगा इसके अंदर. ये फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. अब इसको कैसे हम फाइंड करेंगे हम वो देखते हैं. सबसे पहले हम रिलेटिव डेंसिटी बॉटल का RD बॉटल का वेट मेजर कर लेंगे. लेट अस टेक M1. फिर इसी रिलेटिव डेंसिटी वाटर को हम वाटर से फील करके फिर वेट चेक करेंगे तो आएगा M2. फिर वाटर निकाल के हमें सपोज अल्कोहल की मेजर करनी है तो हम अल्कोहल पुट अप कर देंगे. लेट अस टेक M3. अब ये जो रिलेटिव डेंसिटी वाटर है ये उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है. हमने रिलेटिव डेंसिटी के दो फॉर्मूला देखे थे, एक तो मास वाला देखा था, एक वॉल्यूम वाला देखा था. वॉल्यूम वाले में क्या देखा था, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, याद आया? तो ये इस पे ये वॉल्यूम वाला, और दूसरा हमने देखा था मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर. यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम, क्योंकि ये फिक्स्ड वॉल्यूम का लिक्विड फील करता है हर बार, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये वाला मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर. तो मास ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालेंगे हम पहले, तो ठीक है ये अल्कोहल है और ये बॉटल का वेट है, तो हम क्या लिख देंगे M3 - M1. के हमने बॉटल के अंदर अल्कोहल फील किया हुआ है, अगर मैं बॉटल का वेट ही माइनस कर दूंगा तो मुझे अल्कोहल का वेट मिल जाएगा. सिमिलरली हम यही करेंगे वाटर के साथ, मास ऑफ वाटर निकालने के लिए M2 - M1. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल तक करते हैं जिससे हमें आइडिया अच्छे से आ जाए. तो देखो एम्प्टी रिलेटिव बॉटल था, उसका वेट कितना दिया हुआ है 25.25 ग्राम. उसको फील किया वाटर के साथ तब वेट था 55.75, एंड जब उसको अल्कोहल से फील किया तब इसका वेट था 45.5. तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल एंड डेंसिटी ऑफ एन अल्कोहल. ठीक है, चलो मैं जानता हूँ कि डेंसिटी जो वाटर की है ना वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हम वो देखते बाद में. तो पहले हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकाल देते हैं अल्कोहल की. तो RD इज मास ऑफ M3 - M1, मास ऑफ अल्कोहल दैट इज 45.5 माइनस मास ऑफ RD बॉटल 25.5 अपॉन मास ऑफ वाटर के लिए 55.75 माइनस 25.5. चलो इसे सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करो 0.66, ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल. ओके, अब जो जब ओके और जो रिलेटिव डेंसिटी होगा यही क्या होगा, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल होगी.
क्लियर है स्टूडेंट्स? हम हाइड्रोमीटर की बात करेंगे. हाइड्रोमीटर इज ऑल्सो यू वन टाइप ऑफ मीटर विच इज़ यूज टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड करने में हेल्प करता है. ओके, जो भी तुमको लिक्विड टेस्ट करना है उसको क्या करना पड़ेगा, हम हाइड्रोमीटर में पोर कर देना पड़ेगा. एक टॉल जार है उसके अंदर, और धीमे धीमे उस मीटर को अंदर सब डुबाते जाने का. ठीक है, अब जितनी लोअर द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस फर्दर विल हाइड्रोमीटर सिंक. जितनी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की लो होगी उतना हाइड्रोमीटर सिंक ज़्यादा होगा. ठीक है, और जनरली हाइड्रोमीटर है ना वो प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करने में काम आता है. तो देख लेते कैसा होता है हाइड्रोमीटर. तो ये जो देख रहे हो तुम वो हाइड्रोमीटर है, देख रहे हो वो हाइड्रोमीटर है. अगर तुमको किसी की डेंसिटी में ये देखो ये जो दिख रहा है तुमको ये हाइड्रोमीटर है, और अगर तुमको किसी की डेंसिटी फाइंड रिलेटेड डेंसिटी फाइंड करनी है उसको तुम यहाँ पे फील कर दो. सपोज करते हैं अल्कोहल फील कर दिया. अब तुमको क्या करना है, इसको ये हाइड्रोमीटर को जेंटली अंदर डीप करना है. कब तक डीप करना है, जब ये फ्रीली फ्लोट करने लगे. देखो फ्लोट मतलब क्या होगा, पहले तुम जब अंदर सिंक करोगे जब डालोगे तो क्या होगा वो डूबता जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा वो डूबेगा नहीं बल्कि फ्लोट करने लगेगा. ओके, तब हमको क्या करना है, वो इस वाटर लेवल पर वो कौन से पॉइंट पर है. सपोज 0.9 है तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी सब्सटेंस की, 0.9. तो इससे हमको पता चल जाता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मैं फ्लोटेशन एंड सिंकिंग की बात करूंगा. फ्लोटेशन मतलब तैरना, सिंकिंग मतलब डूब जाना. ओके, हाउ सब्सटेंस इज फ्लोटिंग एंड हाउ सब्सटेंस इज सिंकिंग इज टोटली डिपेंड अपॉन द डेंसिटी, मीन्स हाउ हैवियर सॉलिड इज. ओके सी, अगर मैं ऐसा बात करूं, इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लोट तो क्या होगा, तो देखते हैं हम. ओके, तो जब भी हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर तैरना है तो सिंपल सा प्रिंसिपल इज दैट व्हाट, तुमने जो लिक्विड लिया है जिसमें उसको फ्लोट करवाना है. ठीक है, सपोज करते हैं वाटर. अब वाटर में कुछ भी अगर फ्लोट करना चाहेगा तो उसका क्या होना चाहिए, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होनी चाहिए तभी वो फ्लोट कर पाएगा. दैट मीन्स जिस लिक्विड में तुमको फ्लोट करवाना है सब्सटेंस की डेंसिटी उस लिक्विड फ्लोट से कम होनी चाहिए. अगर सिंक हो रहा है मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. अगर सेम प्रिंसिपल देखूँ मैं तो देख लेते हैं हम कि दोनों लिक्विड है. देखो अगर इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑब्जेक्ट इट विल सिंक. अब देखते हैं कि टू लिक्विड फील इन अ कंटेनर द लिक्विड. ओके, दो लिक्विड है, टू नहीं TW आएगा. द टू लिक्विड फील्ड इन अ कंटेनर द लिक्विड विद द ग्रेटर डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा नीचे की तरफ बढ़ेगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर ही रहेगा. एग्जाम्पल की क्या कहना चाहता है, देखो दो हम ले लेते वैसल. ओके, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कम है और ये जो लिक्विड इसकी डेंसिटी ज़्यादा है. तो सेम वॉल्यूम फील करने पे भी क्या हुआ, इसका लेवल कम दिखा इसका लेवल ज़्यादा दिखा, वॉल्यूम सेम है. रीज़न इज़ डेंसिटी. डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हो क्या सकता है, लेवल कम होता है वो ज़्यादा अंदर तक जाते हैं ना. एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन यू कैन से कौन सा ऑब्जेक्ट तैरेगा कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं तैरेगा. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, लिक्विड वैक्स का डेंसिटी दी हुई है विद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कैंडल 0.93, मतलब ये वाटर से हल्का है तो ये पानी में तैरेगा. क्लियर है? सिमिलरली रिवर वाटर और सी वाटर की बात करूँ तो स्विमर को इट इज़ वेरी इजी टू स्विम इन सी वाटर कंपेयर टू रिवर वाटर. क्यों? डेंसिटी की वजह से. रिवर वाटर की डेंसिटी कम होती है, सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है. अब वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद द टेम्परेचर हम बात करेंगे. तो आई नो दैट फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस. ओके, हम वेरिएशन की बात करेंगे. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम और डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. क्लियर है? अब मेरे को पता है हीट करने पे चीज़ें एक्सपांड होती है, उसमें लिक्विड और गैस तो बहुत ही एक्सपांड होते हैं. जब भी चीज़ एक्सपांड होगी तब उसकी वॉल्यूम चेंज होगी. वॉल्यूम अगर चेंज होगी दैट इज़ इनवर्स प्रपोर्शन, मतलब कैसा, एक बढ़ेगा तो दूसरा पैरामीटर कम होगा. तो इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग देन द डेंसिटी विल डिक्रीज. मास रिमेन सेम,
ओके सो वी नो दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज एक्सपांड ऑन हीटिंग. जब भी गर्म करोगे तो वो हीट करेंगे और वो एक्सपांड होंगे. एक्सपांड होने की वजह से क्या होंगे, उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है. वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है. क्लियर है? तो इसका मस्त हम देखेंगे कन्वेक्शन करंट के अंदर. ओके अब सबसे पहले फ्लूड की बात करेंगे क्या होता है. एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड. और फ्लूड एक्सपांड होते हैं हीटिंग के अंदर, हमने अभी देखा. अब ये कैसे होने वाला है वो देखते हैं हम. तुमको हमने पहले भी समझाया था एक एग्जाम्पल से, वापस से देखेंगे हम. हम एक वाटर ले लेते हैं, वाटर वेसल में वाटर ले लिया और उसमें हम कुछ मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं. लोअर साइड मॉलिक्यूल्स, अपर साइड मॉलिक्यूल्स जो अपर लेयर पर है, और कुछ बीच में भी होंगे. ओके अब इसको हम हीट करना है, हमको हीट करना है तो हम इसे हीट भी करते हैं. तो वेसल को मैंने हीट कर दिया, कैंडल्स की मदद से मैंने हीट किया. तो हीट करने पे क्या होगा, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हॉट हो जाएंगे. ओके और जब ये हॉट हो गए तो ये क्या हो गए, एक्सपांड होंगे. एक्सपांड हो गए तो डेंसिटी कम होगी. अगर डेंसिटी कम है तो वो हल्के हो जाएंगे. तो व्हाट विल हैपन, इट विल मूव अपसाइड, इट विल ट्राई टू मूव अपसाइड. और जो हैवियर मॉलिक्यूल्स है, कोल्डर मॉलिक्यूल्स है, इट विल मूव डाउनसाइड. तो यहाँ पे क्या होगा, एक करंट फॉर्म होता है. करंट कैसा, लाइट मॉलिक्यूल्स और हैवी मॉलिक्यूल्स का ऊपर नीचे वाला, तो उसे बोलते हैं हम कन्वेक्शन करंट. ओके स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Subscribe my channel on YouTube, that is #EduGrid. Search on, you can search on YouTube EduGrid by name. Bye bye students.